अब यू देखो भैया मंत्री जी का कल है परसों तलाक हो रहा है। देखो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बहुत एक्शन में दिख रहा है। 28 ट्रकें भैया वो लोग ट्रकें थी सीज कर दी। हैरान मत हुई मामा प्रदेश बाराबंकी जिले के रामसराय घाट के पास का। जैसा आप बता रहे कि कुशीनगर से लखनऊ जाते समय रामसराय घाट परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, ग्यारह नहीं, बारह नहीं, सीधे पकड़ 28 बालू से लदी वो लोग ट्रकों को सीज करवा दिया। आरटीओ को निर्देश दिए और आरटीओ ने चालानों किया, लाखों का जुर्माना भी ठोका है और बगैर कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि काका ढाबा रामसराय घाट के पास ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। हमने कहा था आपको बता दें कि देखो कुशीनगर से लखनऊ जाते समय रामसराय घाट के पास परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह फुल एक्शन में दिखते। सड़क किनारे ढाबे नहीं होते, वहीं पर बगैर देखते कि ट्रकें खड़ी हैं बालू से लदी वो लोग ट्रकें तुरंत बगैर आरटीओ को फोन लगाते हैं और निर्देश देते हैं कि तनिक कार्रवाई करो, एक्शन लो। बस होना का था भैया 28 ट्रकें सीज कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं। बहुत बड़ी खबर थी, हमने कहा आपको बता दें। पर साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दयाशंकर सिंह जी की पत्नी भैया स्वाति सिंह जी थी। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। कोर्ट से तलाक हो गया। जैसा आप बता दें कि कोर्ट में अर्जी लगाई थी स्वाति सिंह ने तलाक को लेकर के। पहली बार तो अर्जी भैया खारिज हो गई थी किसी वजह से, फिर दूसरी बार फिर से लगाई। बस होना का था, कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली और कई बार मंत्री दया सिंह को तलब भी किया गया कोर्ट में, लेकिन ये बगैर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। बस होना का था, स्वाति सिंह की याचिका पर एक तरफा फैसला सुना दिया कोर्ट ने। 22 साल का रिश्ता बिखर गया, टूट गया। दोनों भैया किसी जमाने में छात्र नेता भी रहे, लव मैरिज हुआ था और 22 साल तक ये रिश्ता चला, उसके बाद अब बिखर गया, टूट गया। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो शेयर करना खत्म होगा। शम्मा सारजी को फिर से मिलेगी दबाद बैलेंस के। पर रामसराय घाट में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की ओर से जो ये कार्रवाई की गई है, एक लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो भाई देखो बिल्कुल बकायदा अनिल कपूर बन गए थे नायक पिक्चर के। ऐसा एक्शन लिया कि कहा था सीधे भैया 28 ट्रकों पर कार्रवाई की गई है और लाखों का जुर्माना भी ठोका। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो शेयर करना खत्म होगा। शम्मा सारजी को फिर से मिलेगी दबाद बैलेंस के। वीडियो शेयर करना मत भूलना।